तो कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी भाई ठीक होंगे और अपने एसएससी जीडी के लिए फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम एसएससी जीडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों नक्सल डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ दोस्तों, कि जो ऑल इंडिया में पूरे नक्सल डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो है इस बार फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, और फाइनल कट ऑफ के साथ साथ हम फिजिकल के भी यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेना। अगर से आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया में, आपको उसका पूरा पूरा सेफ स्कोर पता चल जाएगा और आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे और आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेंगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी जाएंगी, मेरा नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो मेरी कट ऑफ क्या जाएंगी, फिजिकल की कितनी जाएंगी, फाइनल कितनी जाएगी, है ना। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं उदाहरण लेने वाला हूं कि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो पता ही होंगी कि कितनी कट ऑफ आपके नक्सल डिस्ट्रिक्ट की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बता दूं कि मैं एमपी के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूं। एमपी का एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बालाघाट, ठीक है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो बालाघाट की क्या कट ऑफ थी दोस्तों, पिछली बार फिजिकल की कट ऑफ थी 78, मतलब फिजिकल की कट ऑफ 78 थी, और फिजिकल की कट ऑफ 78 थी और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 97 पर बालाघाट में ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था, उससे कोई ना कोई पोस्ट मिल ही गई थी, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल हो, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है। मतलब 78 कट ऑफ गई थी फिजिकल की, और उसके बाद जो है वो कट ऑफ जो है, मतलब फिजिकल के बाद जब कट ऑफ बढ़ी तो वो 97 हो गई फाइनल में। तो अब यहाँ पर बात कितने का डिफरेंट आ रहा है आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपका डिफरेंट आ रहा है कि 78 में आप कितना जोड़ेंगे तो आपका ये 97 होगा। तो दोस्तों, आप 78 में आप टोटल 19 प्लस करेंगे तब आपका यहाँ पर 97 होगा। मतलब 78 में आप प्लस का कितना कर रहे हो, 19 कर रहे हो, तब यहाँ पर आपका 97 हो रहा है। तो इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार आपकी कट ऑफ क्यों ज़्यादा बढ़ेंगी, इस बार आपकी फिजिकल की भी कट ऑफ बढ़ेंगी और इसके साथ साथ फाइनल कट ऑफ भी बढ़ेंगी। तो अब कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो मान के चलिए कि इस बार पेपर भी सरल था, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी कम थी, ठीक है। तो पेपर का लेवल सरल रहना और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का कम होना, ये आपके जो दो कारण है मुख्य तौर पर, ये कारण जो है आपका बना रहे हैं कट ऑफ बढ़ाने का। तो अब कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो मैं बता दूं कि आपकी कट ऑफ फिर भी देखा जाए तो फिजिकल में प्लस 12 नंबर का इस बार जो है बढ़ोतरी रहने वाली है। तो 12 नंबर की मतलब 6 क्वेश्चन की बढ़त, 6 दुनी 12 नंबर हो जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अब उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं कि बालाघाट की अगर से देखा जाए इस बार फिजिकल की कट ऑफ, तो फिजिकल की कट ऑफ जो है 78 में आप जो है 12 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगी, 90 प्लस जो है फिजिकल की कट ऑफ रहेंगी। अब इसमें जो है फाइनल कट ऑफ कितनी है, तो फाइनल कट ऑफ में मैंने बोला है कि प्लस 10 नंबर आपको जो, मतलब प्लस 20 नंबर, 19 नंबर आपको जोड़ के चलना है। तो अगर से मैं इसमें प्लस 19 नंबर जोड़ देता हूं तो आपकी इधर में टोटल कट ऑफ 100 जो है 9 के आसपास कट ऑफ बन रही है, मतलब 109 यहां पर सेफ जोन में आते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि 107 से 109 के बीच जिसका भी स्कोर हो रहा है वो सेफ है नक्सल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने बालाघाट के आधार पर बताया। अगर से मान के चलिए बात करें कि आपके एआरओ की पिछली बार अगर से फिजिकल की कट ऑफ 60 थी और फाइनल कट ऑफ कितनी थी, 80 थी, मान के चलिए मैं सपोज कर रहा हूं, तो मान के चलिए इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इस बार उसमें उसको फिजिकल में कितना प्लस करना है, तो फिजिकल में आपको 12 नंबर प्लस करके चलना है। मतलब फिजिकल की कट ऑफ जितनी भी गई थी आपके डिस्ट्रिक्ट की उसमें आपको जो है 12 नंबर प्लस करके चलना है और फाइनल में आपको 19 नंबर प्लस करके चलना है। मतलब मान के चलिए कि मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मान के चलिए कोई बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट है नक्सल डिस्ट्रिक्ट जिसकी फिजिकल की कट ऑफ 60 गई थी, तो इस बार कंफर्म है कि उसकी 72 कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और उसकी अगर से फाइनल कट ऑफ 80 गई थी तो उसकी में 19 नंबर जोड़ दो तो आपका टोटल कितना, 99 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है। मतलब आपको फिजिकल की जो आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी उसमें 12 नंबर जोड़ना है तो आप फिजिकल की तैयारी इस बार कर सकते हैं, और अगर से आपको फाइनल अगर से अपनी कट ऑफ पता करना है तो पिछली बार की कट ऑफ से 19 नंबर प्लस करके चलना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इस बार पेपर का लेवल सरल था और दूसरी बात तो नेगेटिव मार्किंग कम थी, और रही बात की वैकेंसी का भी थोड़ा बहुत कम इशू है, 26
20,000 वैकेंसी इस बार है, पिछली बार 50,000 थी, जिसके कारण भी कट ऑफ बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस वीडियो में पूरी जेन्युइन ऑथेंटिक बातें की गई है, आपको आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताना, मैं आपका जो है जो भी राय होगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। और इसके अलावा आप अपने सेपरेट AR अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के बताना कि आप कौन से नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं आपको ताकि आपका सेफ स्कोर बता सकूँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।